नमः शिवाय। मनुष्य चाहे कितना ही अभागा क्यों न हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर यह काम कर दे तो वह जो चाहेगा वो पाएगा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था। इस गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में गांव के लोग दिन भर बैठ करके आराम करते थे। इसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक प्यारा सा कबूतर का जोड़ा रहता था। कबूतर का नाम था श्याम और कबूतरी का नाम था राधा। दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे और गांव के बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है कि कबूतरी ने कबूतर से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जागने का रहस्य बताइए। कबूतरी की बात को सुन करके कबूतर कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा और ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को पूरा जान लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इस अवसर को वह अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, इस तरह से कबूतर की बात को सुन करके कबूतरी कहने लगी कि स्वामी, आप इस कहानी को सुनाइए, मैं भी ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझना चाहती हूँ। दोस्तों, इस तरह से कबूतर कबूतरी को कहानी सुनाने लगता है। कबूतर कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, रुद्रपुर नाम के गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बड़ा ही सुंदर और सुशील था, लेकिन उसकी एक सबसे बुरी आदत थी कि वह अधिक देर तक सोता था। सुबह उसके घर के लोग उसे जगाने का बड़ा प्रयत्न करते थे, लेकिन फिर भी वह सुबह नहीं जागता था, हमेशा देर से सो करके उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब घर के लोगों ने सोचा कि जब यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में कोई सुधार हो जाएगा। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आदत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और वह ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर भले हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह कभी सभी को पलट करके जवाब दे देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ चुका था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता यह अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। इस तरह से उस कबूतर ने कहा कि फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत उसके पिता अपने बेटे को लेकर के सन्यासी के पास पहुंचे और सन्यासी को प्रणाम करके सारी समस्या विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बता दिया। सन्यासी ने बात सुना और कहा कि कल आप अपने बेटे को लेकर के हमारे आश्रम को आना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने पिता की बात को सुनकर के कहा, पिताजी, परंतु जब मैं भी अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। कबूतर कहता है, उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि पिताजी, ऐसी कौन सी बात है, कृपा करके मुझे भी बताइए कि वह रहस्य कौन सा है। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर के उनसे मिलना होगा। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि कौन सी समस्या है पिताजी? उसके पिता ने कहा कि जब तक तुम सो करके उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। इस तरह से वह कबूतर कहने लगा। फिर उस लड़के ने कहा कि पिता जी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिल करके आऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर के उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात को सुनकर के वह लड़का अधिक प्रसन्न हो जाता है। जीवन में पहली बार रात्रि में वह लड़का जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसको नींद आ गई और वह सो गया।
फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर के फिर से सो जाओ। पिता की इस बात को सुनकर के उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसके मन ही मन उसने स्वयं को चुनौती दी कि अगले दिन वह सुबह सन्यासी से मिलने के लिए अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना दिया जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस तरह से कबूतर कहता है कि ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर के सन्यासी से मिलने के लिए चला। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। आज वह बेहद शांति महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। कबूतर कहता है जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का वह सन्यासी के पास पहुंचा और उनको प्रणाम करते हुए कहने लगा कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं, कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए, मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। कबूतर कहता है कि सन्यासी मुस्कुराए और कहने लगे अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था, मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने कहा परंतु गुरुदेव क्या बात है। तब सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। जब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें उस कार्य को करना होगा, यदि तुम असफल हुए या कार्य को बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है, मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं, आप जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही कार्य करूंगा, मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। इस तरह से वह कबूतर कहता है कि सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है कल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, तुम इसी आश्रम में आज रात्रि निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो जाता है। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा, साथ ही आश्रम के कार्यों में भी तुम्हें सहायता करनी होगी, ध्यान रहे या संकल्प टूटना नहीं चाहिए। कबूतर कहता है कि अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने पूरा निश्चय किया हुआ था परंतु एक सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। कबूतर कहता है कि तब उस सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। उस लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी कहने लगा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है और तीसरा गंधर्व काल जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्ति का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस तरह से वह कबूतर कहता है कि वह सन्यासी आगे कहने लगता है इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृति मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्ति ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता है
और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक को खोल करके पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलता है। कबूतर कहता है, फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठ करके धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। इस तरह से कबूतर कहता है कि सन्यासी कहने लगता है, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुने जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना बड़ा आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके आंखों को बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। कबूतर कहता है कि उस सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय जब दोहराता है तो उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। कबूतर कहता है, इस प्रकार से सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्ति का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प को पूरा कर लिया उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। लड़के की बात को सुनकर के सन्यासी मुस्कुराने लगा और कहा कि पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते हुए चले आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्ति के रहस्य का पता चल चुका है, अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का उसने सन्यासी को वचन दिया। इसके बाद वह लड़का अपने घर को अपने पिता के साथ वापस चला आता है। इतना कह करके वह जो कबूतर था उसने
कबूतरी को ब्रह्म मुहूर्ति का सारा रहस्य समझा दिया। ब्रह्म मुहूर्ति का रहस्य समझ करके कबूतरी ने कहा कि यह तो बड़े काम की चीज है, ऐसे तो व्यक्ति अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो भी उसकी इच्छा हो। इस तरह से हमेशा व्यक्ति को सुबह 3 से 6 के बीच में उठ करके इस काम को करना चाहिए और वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।